गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, कंप्रेसिबल फ्लो स्टार्ट किया था। उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी, ठीक है, उसका एप्लीकेशन देखा था कि हमको कंप्रेसिबल फ्लूड या कंप्रेसिबल फ्लो का स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमने बेसिक इक्वेशन देखा था कंप्रेसिबल फ्लो के लिए, जो इक्वेशन अभी तक हम पढ़ते आए हैं उसमें किस तरह से मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन देखा था तो हमने हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन इस तरह से मॉडिफाई हुआ था, दैट इज डी वी बाई वी प्लस डी ए बाई ए प्लस डी वी रो बाई रो इज इक्वल टू जीरो। अकॉर्डिंगली हमारा बर्नौली इक्वेशन भी मॉडिफाई हुआ था, जहाँ से हमको दो अलग अलग बर्नौली थ्योरम के इक्वेशन मिले थे, वन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एंड अनदर वन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। हमने क्या देखा था कि मोमेंटम इक्वेशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता, भले ही वो कंप्रेसिबल फ्लूड हो या फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड हो, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड प्रेशर वेव इन फ्लूड। हमने देखा था कि सॉलिड में जो प्रेशर वेव या साउंड वेलोसिटी होती है, जो डिस्टर्बेंस होता है, वो बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि उससे पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। एंड इन केस ऑफ फ्लूड, अगर लिक्विड है तो थोड़ा डिले होगा और गैस है तो और ज़्यादा डिले होगा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड रहती है वो गैस में सबसे कम होती है, लिक्विड में सबसे ज़्यादा होती है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव सेड वन फार्मूला, दैट इज सी इज इक्वल टू अंडर रूट डी बी बाई डी रो, मतलब जो वेलोसिटी रहती है वो किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूड, ओके। तो कंप्रेसिबल फ्लूड में डेंसिटी चेंज होगी तो डेंसिटी में भी डिपेंड करती है और प्रेशर में भी डिपेंड करती है। उसके बाद हमने उस वेलोसिटी को अलग अलग टर्म में देखा था, इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस देखा था, इन टर्म्स ऑफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस देखा था, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस देखा था, ठीक है। तो तीन अलग अलग टाइप के हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड भी देखा था। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम, और फिर और मैक नंबर भी देखेंगे, नया टॉपिक हमारा मैक नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं मैक नंबर। मैक नंबर हैज बीन डिफाइंड एज अ स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड टू द इलास्टिक फोर्स। तो मैक नंबर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट, न्यूमरेटर में रहेगा इनर्शिया फोर्स और डिनोमिनेटर में रहेगा इलास्टिक फोर्स, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इनर्शिया फोर्स हमको पता है रो ए वी स्क्वायर बाय इलास्टिक फोर्स के इन टू ए वेयर के इज अ बल्क मॉडुलस, ओके। अंडर रूट वी स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, रो को हम के साथ नीचे ला सकते हैं, एंड दिस अंडर रूट के बाई रो वी नो दैट इट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, ओके। तो वी कैन से दैट मैक नंबर इज अ मैक नंबर इज अ ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूड और बॉडी मूविंग इन फ्लूड टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द फ्लूड, क्योंकि सी क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था और अभी इंट्रोडक्शन में भी आपको हमने बताया। तो इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूड और बॉडी मूविंग इन फ्लूड और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द फ्लूड, ठीक है। फॉर कंप्रेसिबल फ्लूड फ्लो मैक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि जो हमारा फ्लो हो रहा है वो किस तरीके का फ्लो है। सबसे पहले होता है उसमें सबसोनिक फ्लो, अगर हमारा मैक नंबर की वैल्यू वन से कम आती है, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूड है और या बॉडी है इन फ्लूड, उसकी वेलोसिटी कम होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूड से, तो हम उसको बोलेंगे सबसोनिक फ्लो। अगर वो दोनों इक्वल होता है, मतलब वी इज इक्वल टू सी होता है, तो क्या हो जाएगा, मैक नंबर हमारा वन हो जाएगा और हम उसको बोलेंगे सोनिक फ्लो, ठीक है। एंड थर्ड वन इज व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन फ्लूड विल बिकम ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूड, वी कॉल्ड इट एज अ सुपरसोनिक फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो मैक नंबर है वो वन से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो बेसिक थ्योरी थी ये मैक नंबर की थी, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स, और अगर ज़्यादा ज़्यादा हमको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा, दैट इज एम इज इक्वल टू बी बाय सी, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन फ्लूड एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूड। तीन टाइप के फ्लो होते हैं, सबसोनिक, सोनिक एंड सुपरसोनिक, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ मैक नंबर। इफ मैक नंबर इज लेस देन वन इट इज सबसोनिक, इफ इट इज इक्वल टू वन इट इज सोनिक, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन वन इट इज सुपर सोनिक। न्यूमेरिकल सॉल्व करते, तीन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपन। एक पहले वेलोसिटी ऑफ साउंड साउंड के लिए करते हैं, फाइंड द सोनिक वेलोसिटी फॉर द फ्लोइंग फ्लूड। हमको क्या निकालना है, फ्लूड की वेलोसिटी निकालना है, मतलब हमको सी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्रूड ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 एंड
बल्क मॉड्यूलर 1536, मतलब हमको वेलोसिटी साउंड की कहाँ निकालना है, एक क्रूड ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है और बल्क मॉड्यूलस 153036 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमने सोनिक वेलोसिटी का फॉर्मूला देख चुका है इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, दैट इज सी इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई रो। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0.8, उससे हमारे को डेंसिटी मिल जाएगी और बल्क मॉड्यूलस दिया ही हुआ है। और सेकेंड गेट क्या बोला, मर्करी हैविंग बल्क मॉड्यूलस 26487000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मरकरी का भी सेम सोनिक वेलोसिटी निकालना है, लेकिन यहाँ पे मरकरी की डेंसिटी नहीं दी हुई, क्यों, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी हमको पता है दैट इज 13600 kg/m³ होती है, ठीक है। तो ये दोनों केस में हमको सिंपल फॉर्मूला लगा के वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन, क्रूड ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, तो डेंसिटी हो जाएगी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 kg/m³। बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है एंड सोनिक वेलोसिटी इज इक्वल टू के बाई रो अंडर रूट के बाई रो, सबकी वैल्यू रखेंगे। हाँ, यहाँ पे के की वैल्यू न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, इसको हमको 10⁴ से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी सोनिक वेलोसिटी 1383.09 m/s आ जाएगी। सेकेंड केस देखते हैं, मरकरी की डेंसिटी, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है, तो हमको डेंसिटी 13600 मिल जाएगी। बल्क मॉड्यूलस के दिया हुआ है, इसको अगेन हमको मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁴ से मल्टीप्लाई करके, और सिंपल सेम फॉर्मूला रखेंगे दैट इज सी इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई रो, विल गेट सोनिक वेलोसिटी है 1395.55 m/s, ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं कि मैक नंबर से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मैक नंबर एट अ पॉइंट ऑन द जेट प्रोपोल्ड एयरक्राफ्ट विच इज फ्लाइंग एट 1100 km/h। यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है एट सी लेवल वेयर एयर टेम्परेचर इज 20°C, टेम्परेचर दिया हुआ है। टेक के की वैल्यू दी हुई है एंड आर की वैल्यू दी हुई है। देखते हैं इसमें सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, तो ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा और आवर को 60 × 60 करके डिवाइड करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। टेम्परेचर 20°C दिया है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 273 से ऐड करके 293 केल्विन हो जाएगा, के और आर दिया हुआ, ठीक है। तो वी नो वेलोसिटी ऑफ साउंड, सबसे पहले हमको वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट मिल गई हमको 305.55, तो अब हमको वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए देखिए, हमको यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस नहीं दिया हुआ, तो हम अभी तक जो फॉर्मूला यूज करते थे जैसे अंडर रूट के बाई रो, और रो भी नहीं दिया, तो वो फॉर्मूला से हम वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं निकाल सकते। लेकिन हमारे पास और भी फॉर्मूला है कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो हमारा जो बल्क मॉड्यूल है, जो हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर डी, और अगर हमारा प्रोसेस एडियाबेटिक है तो जो हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा अंडर रूट के आर डी। अगेन हमने नोट में देखा था कि अगर कोई प्रोसेस नहीं दिया हुआ है तो हमको अपना प्रोसेस एडियाबेटिक कंसिडर करना है और वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, अंडर रूट के आर डी। तो देखते हैं सी इज इक्वल टू अंडर रूट के आर टी, के की वैल्यू दिया हुआ है, आर की वैल्यू दिया हुआ है, टी की वैल्यू दिया हुआ है, सब वैल्यू अपन पुट करेंगे तो वी गेट सी इज इक्वल टू 343.11। अगेन मैक नंबर क्या होता है, वी बाई सी, वी इज 305.55, हैव जस्ट कन्वर्टेड इट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, तो वी गेट मैक नंबर एज 0.89, बिकॉज मैक नंबर इट इज, वी नो दैट इट इज रेशियो ऑफ वी एंड सी, वी इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ओके, तो वी गेट 0.89। तो इससे क्या पता लगता है, जो हमारा एयरक्राफ्ट फ्लोर है वो सबसोनिक वेलोसिटी से फ्लोर है, बिकॉज मैक नंबर इज लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, सिमिलर टाइप का, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 15 km वेयर द टेम्परेचर इज -50°C, अब यहाँ पे हाइट दिया है, ठीक है, एंड टेम्परेचर इज -50°C, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 273 - 50, दैट इज 223 K। द स्पीड ऑफ द प्लेन इज करस्पॉन्डिंग टू मैक नंबर 2, यहाँ पे मैक नंबर की वैल्यू दे दी है 2, टेक के एंड आर करस्पॉन्डिंग वैल्यू, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन, यहाँ पे एम दे दिया है और वी पूछा है, ठीक है। तो सिमिलर फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे देखिए जो फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 15 km दिया है, इट इज अ डमी वैल्यू, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमको क्या है, मैक नंबर वी बाय सी होता है, एम दिया हुआ है, वी पूछा है, अगर हम सी निकाल लेंगे तो पता लग जाएगा। अगेन सी क्या होगा, अंडर रूट के आर टी, तो के 1.4 दिया है, आर 287 दिया है, एंड टी हम केल्विन में कन्वर्ट करके -50°C को निकाल लेंगे। तो जो हाइट ऑफ प्लेन दिया है जेड, इट इज अ डमी वैल्यू, दैट टेम्परेचर इट इज 223 केल्विन,
मैक नंबर एम इज इक्वल टू टू के 1.4 आर 287। अगेन वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, सी टू कंटिन्यू अंडर रूट के आर टी, वैल्यू रखेंगे 299.33 हो जाएगा। तो वेलोसिटी एम मैक नंबर वी बाय सी, मैक नंबर की जगह में 2 रखेंगे, वी की जगह में वी एंड सी की जगह में 299.33। तो यहाँ से हमको वेलोसिटी ऑफ प्लेन आ जाएगा 598.66 मीटर पर सेकेंड। हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या अगर उसको हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो हम इस तरह से इसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछा है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, तो हमको मैंडेटरी होगा कि इसको कन्वर्ट करना है, अदरवाइज हम 598.66 मीटर पर सेकेंड में भी छोड़ सकते हैं। तो इसी टाइप के सिंपल प्रॉब्लम अगर पूछेगा एग्जाम में, तो इसी टाइप के सिंपल प्रॉब्लम पूछेगा मैक नंबर से रिलेटेड। हमको याद रखना है कि मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द सेम मीडियम। ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन वेरियस थिंग्स, वेदर इट इज इन क्वेश्चन इट इज गिवन बर्क मॉडुलस डेंसिटी, तो हमको अलग फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। टेम्परेचर आर और के की वैल्यू दिया है, तो हमको अलग फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि प्रोसेस कौन सा बोल रहा है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस बोल रहा है तो हमको के रखने की जरूरत नहीं, अंडर रूट आर टी करेंगे। लेकिन अगर कोई भी प्रोसेस नहीं बोल रहा तो वी हैव टू कंसिडर सी इज इक्वल टू अंडर रूट के आर टी। तो इतना ध्यान में रखते हमको वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है, तो अपने आप सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो अच्छी क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला देखेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। थैंक यू।